पाकिस्तान की मुद्रास्फीति श्रीलंका से आगे निकल गई है, जो एशिया में अब तक की सबसे ज़्यादा तेज है। इस साल पाकिस्तानी रुपए में डॉलर के मुकाबले 20% की गिरावट देखने को मिली है। इसके कारण पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ें और ऊर्जा महंगी हुई है। मंगलवार को ब्लूमबर्ग में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की तुलना में अप्रैल में उपभोक्ता कीमतों में 36.4% की बढ़ोतरी हुई है, जो 1964 के बाद सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों से पता चलता है कि परिवहन की कीमतों में 56.8% की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक खाने पीने की चीज़ों में 48.1%, कपड़े और जूते की कीमतों में 21.6% की बढ़ोतरी हुई है। आवास और बिजली पानी की कीमतें 16.9% बढ़ी हैं। पाकिस्तान के साथ ही दक्षिण एशिया में एक और देश है जो भारी संकट का सामना कर रहा है। इसका नाम श्रीलंका है। श्रीलंका की मुद्रास्फीति की दर अप्रैल में घटकर 35.3 हो गई। ब्लूमबर्ग के अनुसार 2023 में पाकिस्तानी रुपए का कमज़ोर प्रदर्शन दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन में से एक है। पाकिस्तानी रुपए के लगातार गिरने से सामान का आयात करना और भी महंगा होता जा रहा है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि उसे IMF से 1.1 अरब डॉलर का लोन मिलेगा, लेकिन इस लोन के लिए लगाई गई शर्तों के कारण महंगाई के और भी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। पाकिस्तान को अगर होने वाले डिफ़ॉल्ट से बचना है तो उसे बेलआउट फंड की ज़रूरत पड़ेगी। अर्थशास्त्री अंकुश शुक्ला के मुताबिक पाकिस्तानी स्टेट बैंक आने वाले दिनों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। उनके मुताबिक मई में महंगाई अपने चरम पर होगी और फिर धीरे धीरे चीज़ें कुछ सस्ती होंगी। पाकिस्तान में आर्थिक संकट के साथ साथ राजनीतिक अस्थिरता भी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगातार दबाव में हैं। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की है। इमरान ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान में जल्द चुनाव नहीं हुए तो श्रीलंका से भी ज़्यादा हालात खराब हो जाएंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। Thank you.